बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अफजल संधु है और मैं गुज़श्ता 20 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके साथ मैं पंचस्ट भी हूँ और मेरी बेसिक जो एजुकेशन है होम्योपैथी में BHM से बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। इसके बाद मेरा MPhil है यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो मैं तकरीबन 20 साल से मुख्तलिफ अमराज स्पेशली जो क्रॉनिक केसेस उनको डील कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूशंस में काम करने का मौका मिला। 20 साल से मैं इफ़त अनवर मेडिकल कम्प्लेक्स के साथ अटैच हूँ, वहीं पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे 5 साल फौजी फ्रेंजन हॉस्पिटल कैंट, वहाँ पर एज ए होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर काम करने का मौका मिला, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी स्पेशलिटीज से जो केस वो रेफ़र भी हुए और मैंने उनको डील भी किया। इसके अलावा जो मेरा बहुत इंटरेस्ट है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है और ऐसी प्रैक्टिस के जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। इसके अलावा मुझे चूँकि बहुत से जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला, लिहाजा बहुत से ऐसे केसेस जो कि किसी एक पैथी के दायराकार में नहीं आते, होम्योपैथी मेडिसिन जब उन एलोपैथी मेडिसिन के साथ मिला के इस्तेमाल की गई तो हमें इंतहाई अच्छे नतज मिले। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की और इनक्योरेबल डिजीज़ हैं जिनका आमतौर पे सारी लाइफ के लिए जिनकी मेडिकेशन करनी पड़ती है, तो वहाँ पर अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन को साथ प्रॉपर तरीके से चलाएँ तो उससे हमें बहुत ही अच्छे नतज मिलते हैं और बाज़ का तो पेशेंट क्योर हो जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस हैं जिन्हें इनक्योरेबल सबर किया जाता है, जबकि होम्योपैथी मेडिसिन से ये तमाम अमराज बहुत अच्छे तरीके से क्योरेबल हैं। अक्सर ये तसव्वुर किया जाता है कि होम्योपैथी मेडिसिन स्लो एक्टिंग है। कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि दर इज़ नो मेडिसिन होम्योपैथी मेडिसिन, तो ये एक मिथ है, एक रॉन्ग कंसेप्ट है। कोई भी चीज़ अगर हम उसका एक रॉन्ग जो साइड है उसको देखने से पहले हमें चाहिए कि हम उसको स्टडी करें। अगर तो किसी पर्सन की स्टडी होम्योपैथी पर है तो उसका हक है कि उसे वो तनकीद करे। तो होम्योपैथी स्लो एक्टिंग नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो फैमिली हमारे साथ अटैच हैं वो अपने अक्यूट केसेस के लिए आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रैपिडली रिकवर होती हैं। वो उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसमें बड़ी एज के अफराद भी शामिल हैं। और सेकंडली ये कहा जाता है जी इसमें दवाई नहीं, अगर दवाई नहीं है तो बहुत से अफराद इससे कैसे ठीक हो रहे हैं, तो ये जस्ट एक मिथ है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जी हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्यों लें जबकि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई। जहाँ पर मेडिकल साइंस ने तरक्की की है वहाँ बहुत से मसाइल भी आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सी ऐसी इन्फेक्शन हैं जहाँ पर एंटीबॉडी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी नागजीर होता है मेडिकल प्रैक्टिस में, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे नई न्यू जनरेशन के एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं वैसे वैसे उसके अगेंस्ट बैक्टीरिया पावरफुल हो रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो अब सुपर बग्स आ चुके हैं जो कि मल्टीपल बहुत से ज़्यादा एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस रखते हैं, लिहाजा जो पेशेंट है वो क्योर नहीं होता। या तो उसको वो एंटीबायोटिक वक्ती फाका देते हैं या उसको एक शॉर्ट टर्म में फाका देते हैं। सो अब इसी तरह इंसुलिन ले लें। अब बहुत से पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है जिसकी वजह से जो बॉडी में शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता, तो बहुत सी ऐसी रेजिस्टेंस है बॉडी के अंदर जो कि मेडिकल या एलोपैथिक मेडिसिन के खिलाफ बॉडी हासिल करती है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, अब यहाँ पर कुछ तो हल होना चाहिए ना पेशेंट का। तो होम्योपैथी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑफर करती है ऐसे केसेस के लिए जो के फील करते हैं कि उनको जो एलोपैथ ड्रग्स हैं या दूसरे कोई भी तरीका जो इलाज है वो रेजिस्ट हो रहा है और वो प्रॉपरली उनकी सिम्टम्स क्योर नहीं हो रही, तो वहाँ पर इसको बिल्कुल आजमाया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में प्रैक्टिस हो रहा है और बहुत से इस पर मतलब बुक्स लिखी जा चुकी हैं। बहुत अच्छे इनके केसेस प्रेजेंट हो रहे हैं और होते रहते हैं। सो कोई भी तरीका ला जब आप अपनाएं, नेट एक बहुत बड़ी सोर्स है, वहाँ जाएं, उसके मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन लें, देन खाली एक नेगेटिव पॉइंट बहुत से पॉजिटिव पॉइंट को जो है वो नील नहीं कर सकता। होम्योपैथी में बहुत से ऐसे मराज जो कि दूसरे तरीका इलाज में जिनके लिए एक लॉन्ग टर्म पे मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं और फिर भी वो क्योर नहीं होते, लाइक एलर्जीज़। तो बहुत सी ऐसी एलर्जीज़ हैं, स्पेशली एलर्जिक राइनाइटिस है,
इसके अलावा स्किन एलर्जी है अर्टिकेरिया टाइप, और ग्लूटिन एलर्जी है जो कि फूड एलर्जी की टाइप है, इसी तरह डस्ट माइट, इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एलर्जी काज करती हैं। तो बाज़त इनके लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो यूज़ की जाती है, और ये क्योर नहीं करती पेशेंट को, क्योंकि हर पेशेंट का एक अपना मजाज है। होम्योपैथी हर पेशेंट को उसके मजाज के मुताबिक और काज ऑफ द डिजीज़ या काज ऑफ द रीज़न उसके मुताबिक लेके चलती है, और बहुत से एलर्जी के केस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल रिकवर हो जाते हैं और वो पेशेंट बहुत अच्छे लेवल पर इम्यून हो जाते हैं उस एलर्जी के खिलाफ। इसके अलावा स्किन के प्रॉब्लम है तो स्किन में इसके बहुत शानदार बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, जैसे एक्नी है, इसके अलावा ये क्लोजमा है, और लाइक एनी अदर डिजीज, तो बहुत से अमराज में फंगल डिजीज़ है, तो इसमें होम्योपैथी का बड़ा अहम किरदार है। इसके अलावा डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, ये इस दौर की एक बहुत बड़ी अमराज हैं जो कि बहुत मसाइल पैदा कर रहे हैं, और बाज़ बहुत अच्छी मेडिकेशन लेते हुए भी पेशेंट जो है वो ना तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, और बाज़ जो ब्लड प्रेशर है वो भी बहुत से पेशेंट का कंट्रोल में नहीं रहता। तो ऐसे जो पेशेंट हैं अगर वो दूसरी जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उनके साथ अगर प्रॉपर तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें तो एज ए कम्प्लीमेंट्री ये उनके साथ बहुत अच्छा काम करती हैं, और ऐसे पेशेंट की शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है और ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। इवन के वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं और साथ उनके बहुत सी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही होती हैं, तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए एटलीस्ट होम्योपैथी मेडिसिन को अगर इसमें ऐड कर लिया जाए तो इससे बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं। इसके अलावा बहुत सी दर्दों की अकसाम हैं, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, एसएलई है, और इस तरह और भी बहुत सी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिनके लिए एक लॉन्ग टर्म थेरेपी एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है। तो अगर वहाँ पर होम्योपैथी को आजमाया जाए और यूज़ किया जाए तो उससे बहुत अच्छे नतज मिलेंगे, लेकिन इसके लिए अल्टीमेटली इसको इस्तेमाल करना शर्त है। और अगर हम मिथ पे जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें जो पॉसिबल नज़र नहीं आती, लेकिन दीज आर पॉसिबल्स, और बहुत सी ऐसी रिसर्च स्टडीज़ हैं, बहुत से ऐसे पेपर हैं जो कि बहुत पब्लिश हो रहे हैं। आप कभी नेट पे जाएं उस पर होम्योपैथी के बारे में आप सर्च करें, आपको पता चलेगा कि होम्योपैथी के बहुत से ट्रायल्स हैं जहाँ पे ये प्रूव हुआ कि होम्योपैथी मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं। होम्योपैथी में बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्पेशली डिप्रेशन और एनजाइटी, इसका बहुत अच्छे तरीके से और बहुत एक कामयाब तरीके से इलाज हो सकता है, क्योंकि होम्योपैथी में जब कोई भी पेशेंट होम्योपैथ डॉक्टर के पास आता है इफ़ ही इज़ ट्रूली ट्रेंड, तो उसकी जो मुकम्मल बर्डन है, उसके सिम्टम्स हैं, वो ली जाती हैं, उसके केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है, और हर पेशेंट की जितनी भी मेंटल सिम्टम्स हैं, उसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स, उसकी फिजिकल सिम्टम्स, इस तमाम सिम्टम्स को इंतहाई एहतियात से और बड़े अच्छे तरीके से कलेक्ट किया जाता है, उनको बाकायदा नोट किया जाता है, और उन्हीं की रोशनी में जो है पेशेंट के मजाज और उसकी काज। अब डिप्रेशन के बहुत से काजेज हैं, कुछ किसी की डेथ हो गई, कुछ बिजनेस में लॉस हो गया, उसका फैमिली का इशू है, स्टडी का इशू है, तो ये बहुत सी रीजंस हैं जो कि डिप्रेशन काज करती हैं। तो एंटी डिप्रेसिव मेडिसन्स सिम्टोमेटिकली एक टेम्पररी रिलीफ तो दे सकती हैं, लेकिन बाज का ये बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं करती। होम्योपैथी में जो काज है पेशेंट की उसको हम एड्रेस करते हैं, और उसके मुताबिक जो ओवरऑल एक पेशेंट की हम पूरी हिस्ट्री बनाते हैं तो उसी के मुताबिक ही हम जो रेमेडी सेलेक्ट करते हैं, इट एक्ट्स वेरी वेल। इसमें एक और अहम जो बात मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि क्या होम्योपैथी मेडिसिन लोग कहते हैं सेफ है। तो कुछ लोग कहते हैं जी अगर इसके साइड इफेक्ट नहीं है तो इफेक्ट कैसे होते हैं, दिस इज़ गुड क्वेश्चन। तो बात यह है कि जो होम्योपैथी मेडिसिन हैं, पहली बात कि इनकी जो सिलेक्शन की जाती है वो बहुत ही केयरफुली की जाती है और ओवरऑल पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली की जाती है, नंबर वन। नंबर टू, जो इसकी मेडिसिन की प्रिपरेशन है ये एक बड़ा अहम इसमें कदम है। होम्योपैथी की मेडिसिन डाइल्यूटेड फॉर्म में होती हैं, एक ख़ास तरीका जिसे हम पोटेंटाइजेशन कहते हैं, इस तरीके से तैयार की जाती हैं। इसमें दो बेनिफिट होते हैं, एक तो ये पोटेंटाइज हो जाती है, इसकी पोटेंसी, इसकी जो पावर है, इसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेशन है ये इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि ये डाइल्यूट फॉर्म में चली जाती है। सेकेंडली,
इसकी जो एफिकेसी है ये रेज हो जाती है। तो चूंकि इसको हम बहुत डाइल्यूट फॉर्म में ले जाते हैं तो इसके अंदर जो क्रूड फॉर्म है वो चूंकि कम हो जाती है, इसलिए इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं बॉडी के अंदर वो ना होने के बराबर बल्कि नहीं आते। तो अगर पेशेंट कोई भी होम्योपैथिक नॉलेज है वो अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को केयरफुली सेलेक्ट करता है तो इट हैज़ नो हार्म लाइक एलोपैथी मेडिसिन और अदर ड्रग्स। जी तो अपना बहुत ख्याल रखिए, और इसमें जो एक अहम और आखिरी बात मैं कहूँगा वो ये है कि आप कोई भी मर्ज है, कोई भी बीमारी है, अब दुनिया सुकड़ गई है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो आप नेट हर सबके पास मौजूद है, आप अपने दोस्तों से मशवरा कीजिए, उस पर सर्च कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको जो भी मसला है उससे मुतलका फिजिशियन के पास जाएं। अगर आप ऑलरेडी बहुत से फिजिशियन को घूम चुके हैं और आपकी जो अलामत हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिकवर नहीं हो रही, तो जहाँ पे आप इतने आजमा रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक बार किसी अच्छे मौलवी के पास जरूर जाएँ। और चाहे मसला कुछ भी हो, हल तो सबको मौजूद होता है, लेकिन हल तभी होता है जब उसके मुताबिक आपकी रेमेडी सेलेक्ट की जाए, उसके मुताबिक आपकी मैनेजमेंट की जाए। तो बहुत से लोगों के साथ अल्लाह हाफिज़।